नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सबने इतना प्यार दिया कि अब मैं बन गया हूं YouTube वीडियो कंट्रीब्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा। कैसा होता है ये प्रोग्राम, किस तरह से ये काम करता है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और एज ए क्रिएटर हमें क्या मिलता है, क्या आप बन सकते हैं ये क्रिएटर प्रोग्राम का हिस्सा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस तरह से आप वर्क करते हैं, YouTube आपसे किस तरह से इंटरेक्ट करता है, या कहूँ Google आपसे किस तरह से इंटरेक्ट करता है, सारी चीज़ों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, इस आशा के साथ कि आज इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और कोशिश करेंगे जो गलतियां आप अभी अपने चैनल्स के साथ कर रहे हैं वैसी गलतियां आप अपने चैनल के साथ नहीं करें। तो वीडियो कंट्रीब्यूटर प्रोग्राम यूट्यूब की तरफ से चलता है। इसका मेन मोटिव होता है कि इंडियन क्रिएटर्स जो हमारे हैं, हालांकि ये कंट्रीब्यूटर प्रोग्राम सिर्फ इंडिया में नहीं चलता और भी कंट्रीज़ में चलता है, इसका जो मेन मोटिव होता है कि इंडियन क्रिएटर्स को लेना जिनका कंटेंट बहुत अच्छा है और इनका कंटेंट यूट्यूब की पॉलिसीज़ को मानता है, यानी कि कम्युनिटी गाइडलाइंस को भी यहाँ पर फॉलो करता है। वो क्रिएटर्स जो केवल एक निश के ऊपर काम करते हैं उनको पहले तवज्जो दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं, मेरी ज़्यादातर वीडियोस जो होती हैं वो यूट्यूब SEO से रिलेटेड होती हैं। यूट्यूब मोनेटाइजेशन की मैं न्यूज़ देता रहता हूँ, जो भी अपडेट आती है वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। तो मेरा क्या निश हो गया, मेरा निश हो गया कि मैं यूट्यूब SEO के बारे में बताता हूँ, साथ साथ अगर मैं अदर जाता हूँ तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो यूट्यूब ऐसे चैनल्स को ऑडिट करता रहता है और ऑडिट करने के बाद वो उन लोगों को मेल भेजता है। जब वो मेल भेजता है तब आपके पास मेल में सारी जानकारी होती है, आपके चैनल के बारे में भी बताया जाता है कि आपका चैनल क्यों आप जो है वहाँ पर सेलेक्ट किया गया। आपके ऊपर ऑप्शन होती है कि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ, जिसके पास भी ये मेल आई होगी, शायद कोई एक आधी बंदा होगा जिसने ज्वाइन नहीं किया होगा, ज़्यादातर लोग इसको ज्वाइन करते हैं। अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों के पास ये क्रिएटरशिप नहीं है, केवल कुछ ही लोगों के पास ये क्रिएटरशिप है। अब आपके मन में आया होगा कि कम सब्सक्राइबर वालों को मिलेगा या ज़्यादा सब्सक्राइबर वालों को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर सब्सक्राइबर बेस का इशू नहीं है, यहाँ पर इशू है इस चीज़ का कि आप वीडियोस को किस तरह से बनाते हैं, आपका प्रेजेंटेशन कैसा होता है और आप किस चीज़ों के ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं और कितनी मास्टरी के साथ आप वीडियोज़ को बनाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं, व्यूज़ सब्सक्राइबर्स अभी मैटर नहीं करते इस प्रोग्राम में। मैटर करता है कि आपकी डिलीवरी या आपका प्रेजेंटेशन किस तरह से वीडियोस के अंदर रहता है, यही इस समय सबसे बड़ा क्राइटेरिया इस प्रोग्राम में देखने को मिलता है। एज ए क्रिएटर मुझे क्या मिलेगा अगर मैं इसका पार्ट हूँ, ये मन में आया होगा। देखो, एज ए क्रिएटर आपको रिकग्नाइजेशन मिलता है, इनके जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर आपकी वीडियोस को शेयर किया जाता है। आप वीडियो अपने चैनल पर ही बनाएंगे, इनके तरफ से कुछ मेल्स आते हैं, मतलब गूगल और यूट्यूब की तरफ से कुछ मेल्स आते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं, उन क्वेरीज का सॉल्यूशन भी हमें मिलता है और उस सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग वीडियोज़ को बनाते हैं और उन सॉल्यूशंस को हम फिर जो हम वीडियो बनाते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, हम यूट्यूब के पास भेजते हैं। यूट्यूब उन वीडियोज़ को देखता है, उसको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसने हमको दी थी हमने उसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो बनाया है और बिल्कुल सटीक वीडियो बनाया है, तब उस वीडियो को YouTube अपने प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर पे उनका हैंडल है, इंस्टाग्राम पे उनका हैंडल है, YouTube के चैनल्स हैं, वहाँ पर हमें टैग कर देता है। और उस टैग करने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमारा जो एक्सपोजर होता है चैनल का वो हमारा पड़ जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि यार इससे तुम्हें मोनेटाइजेशन में भी फ़ायदा होता होगा, या क्या YouTube इस प्रोग्राम के लिए कुछ पे करता है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट कर देता हूँ कि YouTube आपको इसमें एक रुपया भी पे नहीं करता है, जो भी आप कमाओगे वो आप अपनी वीडियो की मोनेटाइजेशन से कमाओगे, YouTube आपको इसमें कुछ नहीं देगा। लेकिन हाँ, लेकिन YouTube देता है कुछ प्राइजेस, जैसे हम लोगों ने ज्वाइन किया तो हमको एक अच्छा सा छोटा सा प्यारा सा एक BBM स्पीकर, वायरलेस स्पीकर भेजा गया, ये बहुत शानदार स्पीकर है और डायरेक्टली आपके जो हेड ऑफिस है वहाँ से ही आता है। इस तरह के गुडीज़ आपको मिलते रहते हैं, जैसे मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, हालांकि ये टी शर्ट मुझे इस प्रोग्राम में नहीं मिली थी, ये मुझे पहले मिली थी 2016 में जब मैं YouTube के पार्ट प्रोग्राम पार्टनर था,
तब हमारे कुछ प्रोग्राम्स होते थे यूट्यूब के, गूगल के ऑफिसेज में, तो हम लोग जाते रहते थे, तब हमें ये मिलती थी। और ये भी हमें ऐसे नहीं मिलती है कि फ्री मिल जाते हैं, वहाँ पर कुछ इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स में टास्क परफॉर्म करने होते हैं। मेरा टास्क था कि मुझे एक टॉपिक दिया गया था, उस टॉपिक के ऊपर मुझे हाथों हाथ एक प्रेजेंटेशन वहाँ पर बना के देनी थी। तो मैंने और हरीश भैया जो वीज़ा टू एक्सप्लोर वाले हैं, हम दोनों ने मिलके एक प्रेजेंटेशन बनाई थी। तो हमें एक ये टी शर्ट मिली थी और एक हमें हुडी मिली थी, जो कि ऑफिशियल हुडीज़ होती हैं। तो मेरे पास है, उनके पास है, कई सारे जो पुराने यूट्यूबर्स हैं उनके पास ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये यूट्यूब क्रिएटर प्रोग्राम जो होता है, कॉन्ट्रीब्यूटर प्रोग्राम जो होता है, इसके लिए अप्लाई आपको नहीं करना होता है, आपके पास खुद मेल आती है अगर आपका चैनल एक सब्जेक्ट पर मास्टरी करता हुआ चलता है। यानी कि आपने YouTube SEO बनाना शुरू किया, या डिजिटल मार्केटिंग शुरू किया, या रेसिपी का चैनल है, या किसी भी चैनल है, आपने उसको बीच में से जो है चेंज नहीं किया है, आप एक ही तरफ से चल रहे हैं, उस केस में आपका चैनल को YouTube जो है अपने पास लेता है, या आपको ऑफर करता है वीडियो कॉन्ट्रीब्यूटर प्रोग्राम। क्योंकि यूट्यूब बहुत बड़ा है, उसका हर क्षेत्र में उसके ऐप्स चलते हैं, फोरम्स चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो केवल ये सोचना कि सिर्फ टैग वालों को मिलेगा, ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाती है। मुझे लगता है कि सारे जो क्रिएटर्स हैं, जितने तरीके के क्रिएटर्स हैं, सबको मिलता है, क्योंकि म्यूज़िक की ऐप्स भी चलती हैं, पॉडकास्टिंग की भी चलती हैं, और बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो इस तरह से मुझे मिला था वीडियो कॉन्ट्रीब्यूटर प्रोग्राम। और आप आने वाले दिनों में जो भी अपडेट देखेंगे, वो डायरेक्ट ऑथेंटिकेट अपडेट देखेंगे मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह मेरे साथ बने रहिए।